नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत अब मिलने लगा है रोजगार। चीन को अब इस मोर्चे पर झटका देगी मोदी सरकार। कांग्रेस ने मोदी सरकार को अब इस बात पर घेरा। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें अमीर शख्स। देश में बेकाबू हुआ कोरोना। रणदीप गुलेरिया बोले छोटे लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। शिवराज सरकार ने लिया 1,000 करोड़ रुपए का लोन। जानिए अमेज़न ने क्यों कहा गलती हो गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आप भी देश और दुनिया के सभी फायदेमंद खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 जून को प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने का काम दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के लॉन्च होने के 3 हफ्तों में सरकार ने इस पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस पर 125 दरों में कुल 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशों में से कोरोना के सीमित सामुदायिक प्रसार के जिक्र को हटा दिया है। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले अप्रैल में सीमित सामुदायिक प्रसार होने की बात कही थी, स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण ने इस संबंध में कहा, देश के कुछ हिस्सों में कोरोना का स्थानीय प्रसार जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन सामुदायिक प्रसार अब तक सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर निकालने के फैसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और सवाल किया कि क्या कोरोना से निपटने की मुहिम समाप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, अगर 16 जून को हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु था तो फिर 15 दिनों में क्या बदल गया। सरकार क्यों चाहती है कि लोगों से ज्यादा कीमत ली जाए। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अल्पकालिक लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कम से कम 14 दिनों का होना चाहिए। आपको बता दें कि वे महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहरों में महामारी को फैलने से रोकने के लिए 10 दिनों तक के बंद की घोषणा की और इशारा कर रहे थे। भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, बर्कशायर हैथवे के वारेन बफे, गूगल के लैरी पेज और सर्ज ब्रिन को पीछे छोड़ अब दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में पूरे एशिया से मुकेश अंबानी का नाम है और फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $70 अरब पर पहुँच गई है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय सेना के बीच हुए मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र को घेरते हुए मोदी सरकार से सवाल किया है कि वह इस बात का जवाब दे कि भारतीय जमीन पर कब्जा किया जाने के बाद चीन पर क्या कदम उठाया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को रक्षा विशेषज्ञों की बात सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने असम में विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन से असहमत होकर दायर एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल इस परिसीमन पर ये कहते हुए असहमति जताई गई है कि ये 2001 की पुरानी जनगणना पर प्रस्तावित है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक संसदीय पैनल के सामने पेश हुए अधिकारियों ने कहा कि कोरोना का कोई टीका अगले साल से पहले तैयार नहीं होगा और अगले साल तक ही वैक्सीन बनाई जा सकती है। गौरतलब है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कोरोना वैक्सीन बनाने पर चर्चा की गई है। भारत में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,114 मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 8,20,916 हो गई है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि देश में अब तक कोरोना के 5,15,386 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों व संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए कल रात 10 बजे से पूरे यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है, जो 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी दफ्तरों की बंदी और आवाजाही पर सख्ती से अमल शुरू हो गया है।
केंद्र सरकार ऐसे भारतीय उत्पादों की लिस्ट बना रही है जिनसे वह चीन को प्रतिस्पर्धा दे सकती है और ऐसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने में सरकार व्यापारियों की मदद करेगी। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का उत्पादन देश में हो, ताकि इससे देश में लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सके और देश आत्मनिर्भर भी बने। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की ट्रायल प्रक्रिया के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में वेबिनार को संबोधित करते हुए विजय राघवन ने कहा कि किसी भी वैक्सीन के पहले चरण की जांच में सामान्य तौर पर 28 दिन लगते हैं और उसके बाद दो चरणों की जांच और होती है। दिल्ली के ILBS संस्थान ने प्लाज्मा का स्टॉक बढ़ाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब जिस भी अस्पताल को अपने कोरोना मरीज के लिए प्लाज्मा चाहिए होगा, उसे मरीज के परिवार वालों के साथ एक प्लाज्मा डोनर भी भेजना होगा। डोनर प्लाज्मा बैंक में जब प्लाज्मा डोनेट कर देगा, उसके बाद ही मरीज के परिवार वालों को प्लाज्मा दिया जाएगा। हिमाचल के उद्योग अब 3 महीने से 3 साल के लिए कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेंगे। जहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक रोजगार हिमाचल प्रदेश नियम 2019 को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में स्कूल फीस की अदायगी संबंधी मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि एकल बेंच के फैसले से असहमत होकर दायर की गई LPA में राज्य सरकार ने न्याय और इंसाफ के हित में एकल बेंच के आदेश पर अमल और 30 जून के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। पटना में विशेष PMLA न्यायाधीश ने चावल घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिवेश कुमार चौधरी नाम के शख्स को ED के अंदर 7 दिनों के हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि चौधरी पर सरकारी गड़बड़ी एवं धोखाधड़ी में शामिल होने का मामला है। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट से पहले खुले बाजार से राज्य में वित्तीय संसाधन विकसित करने और प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार जाने के बाद शिवराज सरकार 3 महीने में खुले बाजार से 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में अब कोरोना के 2 अस्पताल हो गए हैं, जहां पटना एम्स को अब कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया है और अस्पताल से सामान्य मरीजों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दरअसल एम्स के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से कोरोना अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने मान लिया है। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा पोर्टल अमेज़न अपने उस ईमेल को लेकर बैकफुट पर आ गया है, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों को तुरंत टिकटॉक ऐप हटाने को कहा था। वहीं ईमेल भेजने के कुछ ही घंटों बाद अमेज़न की तरफ से सफाई दी गई कि ईमेल गलती से चला गया था। साथ ही अमेज़न ने कहा कि टिकटॉक के संबंध में अभी हमारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स ने वेस्टइंडीज के साथ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में एक खास उपलब्धि हासिल की, जहां पहली बार इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे स्टॉक्स ने पहली पारी में 4 विकेट झटके और महान ऑलराउंडरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि स्टॉक्स 4,000 से ज्यादा टेस्ट रन और 150 विकेट हासिल करने वाले दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव और इयान बाथम की लिस्ट में जगह बना ली है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।